नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। और ये क्वेश्चंस आपके IAS, फिर चाहे कोई स्टेट PCS हो, उन सभी के प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इस तरह के हम लोग अभी तक 48 टेस्ट खत्म कर चुके हैं। ये आपका 49वां टेस्ट है। तो चलिए, हम लोग 49वें टेस्ट का पहला क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। भारत में संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख है, जबकि राष्ट्रपति वास्तविक कार्यकारी प्रमुख है। बिल्कुल गलत बात है। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाहें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है, ये आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर एक में आपका केवल दो कथन सही है। राष्ट्रपति आपका नाममात्र का कार्यकारी होता है, जबकि प्रधानमंत्री आपका वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को उनके कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता एवं सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। यह राष्ट्र सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। 42वें संविधान संशोधन 1976 और 44वें संविधान संशोधन 1978 में संविधान संशोधनों के पश्चात मंत्रिपरिषद के परामर्श को स्वीकार करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषता है? दोहरी कार्यकारिणी गलत है। शक्तियों का पृथक्करण सही है। स्पॉइल्स प्रणाली सही है। उत्तरदायित्व का अभाव ये भी आपका सही है। 2, 3, 4 सही है, इसमें एक आपका गलत है। एकल कार्यकारिणी वास्तव में नाममात्र का प्रमुख है आपका राष्ट्रपति। सरकार की संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है। जो आपकी राष्ट्रपति प्रणाली विशेषता है, राष्ट्रपति और विधायिका एक निश्चित अवधि के लिए अलग अलग चुने जाते हैं। उत्तरदायित्व का अभाव, राजनीतिक एकरूपता का अभाव, एकल सदस्यता, राष्ट्रपति की प्रभावी भूमिका, निम्न सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं होता है, शक्तियों का पृथक्करण। जो आपकी स्पॉइल्स सिस्टम है, प्रणाली है, राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार अधिकारियों का चयन कर सकता है। यह स्पॉइल्स प्रणाली को जन्म देता है, जहां राष्ट्रपति के करीबी लोगों को सरकार में भूमिकाएं मिलती हैं। तो इसमें आपकी सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषता है शक्तियों का पृथक्करण, स्पॉइल्स प्रणाली और उत्तरदायित्व का अभाव। तो इसमें आपका डी होगा। 2, 3, 4 क्वेश्चन है हमारा तीसरा। अंतरराज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंतरराज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया जा सकता है, सही है। यह केवल सलाह देने का कार्य करता है, सही है। पहली बार पुंछी आयोग द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी, ये आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका केवल एक और दो कथन सही है, तीसरा कथन आपका गलत है। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया था, जिसकी अनुपालना में वर्ष 1990 में ऐसी परिषद की स्थापना की गई थी। तो इसमें आपका एक और दो कथन सही था, यानी कि बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा
अगला चार, साइबर कानून विषय को किस सूची में शामिल किया गया? साइबर कानून विषय को किस सूची में शामिल किया गया? तो आपको बता देना है अवशिष्ट विषय, डी ऑप्शन सही है। भारत का संविधान विषय को तीन सूची में विभाजित करता है, संघ सूची, वे विषय जिन पर संघ सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची, इन विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और जो संवर्ती सूची है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इस पर कानून बना सकती है। लेकिन याद रखिए, संवर्ती सूची में अगर दोनों में विवाद हुआ, राज्य और केंद्र सरकार के कानून में, तो केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। इन सब के अतिरिक्त ये आपकी एक अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आती है, जो इन सबसे अलग होते हैं। इन मामलों पर कानून बनाना की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। यह प्रावधान आपका कनाडा के संविधान से लिया गया था, अवशिष्ट विषय का। साइबर कानूनों का उल्लेख संविधान की किसी भी सूची में नहीं किया गया, इसलिए यह अवशिष्ट विषयों के दायरे में आता है। अनुच्छेद 48, 248 के तहत संसद के पास उन मामलों में संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति है जो संवर्ती या राज्य सूची में ना आते हों। बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। एक संघीय सरकार की विशिष्ट विशेषता है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। पांच में आपका डी होगा। याद रखिए, संघीय विशेषताओं की आपकी विशेषताएं दोहरी सरकार, एक राष्ट्रीय सरकार और दूसरी क्षेत्रीय सरकार। फिर आपका लिखित संविधान, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधानमंडल। बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। वैधानिक अनुदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सभी राज्यों को वित्तीय वर्ष दिए जाते हैं, गलत है। ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, सही है। इनका संवितरण नीति आयोग की संतुतियों पर किया जाता है, ये आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर छठवें में आपका केवल दूसरा कथन सही है, एक आपका गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, ना कि प्रत्येक राज्य को। साथ ही अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग राशि तय की जा सकती है। अनुच्छेद 275 के तहत वैधानिक अनुदानों राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है, ना कि नीति आयोग की। ठीक है, किसके? वित्त आयोग की। तो क्वेश्चन नंबर छठवें में आपका केवल दूसरा कथन सही था। बात करते हैं हम लोग सातवें क्वेश्चन की। आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संविधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर घोषित किया जाता है, गलत है। यह भारतीय संविधान के संघीय चरित्र का उल्लंघन कर रहा है, सही है। भारत में इस प्रकार का आपातकाल 3 बार घोषित किया जा चुका है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दूसरा और तीसरा कथन सही है, लेकिन पहला कथन इसमें गलत है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है, युद्ध, बाह्य और आक्रमण और सशक्त विद्रोह के कारण। आपातकाल अनुच्छेद 352 को राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। याद रखना है आपको, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द को आंतरिक अशांति के स्थान पर लाया गया था। पहले आंतरिक अशांति शब्द का यूज होता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशक्त विद्रोह शब्द लाया गया।
जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल की घोषणा होती है उसे हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये आपका 356 अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और भारत में वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण अधिरोपित आपातकाल वित्तीय आपातकाल कहलाता है, 360 के अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। अभी तक 360 यानी कि राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है भारत में, ठीक है। संविधान में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। इसे दो अन्य नामों से, एक राज्य आपातकाल और दूसरा संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जानते हैं। हालांकि संविधान इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं करता है। और आपको याद रखना है, जो आपका अभी तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। कब कब? पहली बार आपका 26 अक्टूबर 1962 में। कब? 26 अक्टूबर 1962 में चीन द्वारा देश के उत्तर पूर्वी हिस्से पर हमला करने के कारण आपका 1962 में लगाया गया था। इसे आपका 1968 में हटाया गया था। और दूसरी बार फिर 3 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उस समय लगाया गया था। और ये आपका 21 मार्च 1977 को हटाया गया था। तीसरी बार आपका जो आपातकाल लगाया गया इंदिरा गांधी के समय, वो जिसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है, ये आपका 25 जून 1975 को लगाया गया था। और ये आपका 21 मार्च 1977 को हटाया था। तो इसमें आपके 2 और 3 कथन सही थे, यानी कि डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन और विकास हेतु अधिनियमित किया गया है, सही है। जल भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के तहत सूचीबद्ध है, ये आपका गलत है। संसद अंतर्राज्यीय जल विवादों पर न्यायालयों को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से रोक सकती है, ये आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में केवल आपका दूसरा कथन गलत है, बाकी 1 और 3 सही है। सार्वजनिक हित में समीचीन होने पर केंद्र सरकार को संसद द्वारा निर्बाधित वैधानिक सीमा के तहत 7वीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 56 के तहत अंतर्राज्यीय नदियों के विनियमन और विकास की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अर्थात आपका जो जल है ये आपका संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 56 के तहत सूचित है, सूचीबद्ध है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 9वां। निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय मानसून को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? विभेदकारी ऊष्मन और शीतलन, सही है। गंगा के मैदान की ओर ITCZ का स्थानांतरण, ये भी सही है। हिंद महासागर में उच्च दाब युक्त क्षेत्र, ये भी आपका सही है। एल नीनो दक्षिणी दोलन, ये आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका 1 2 3 सही है। तो इसमें आपका डी होगा, 1 2 3। क्वेश्चन है हमारा 10वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के उत्तरी मैदान पर शीत ऋतु का आवरण, शीत ऋतु का कारण चक्रवातीय विक्षोभ है, सही है। भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया में उत्पन्न निम्न दाब प्रणाली भारत में प्रवेश करती है, सही है। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ खरीफ की फसलों के लिए महत्वपूर्ण है, ये आपका बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका 1 और 2 कथन सही है, तीसरा आपका गलत है।
ये मैदानी क्षेत्रों में आवश्यक वर्षा तथा पहाड़ों में हिमपात के लिए उत्तरदायी है। शीतकाल में होने वाली वर्षा, जिन्हें स्थानीय रूप से मावठ के रूप में जाना जाता है, की मात्रा कम होती है, परंतु रबी की फसलों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। किसकी? रबी की फसल के लिए, ना कि खरीफ की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका एक ऑप्शन सही था, एक और दो ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन हमारा 11, नीचे दिए गए अनुच्छेद में उल्लेखित अवस्थिति की पहचान कीजिए। यह एक राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य है। इसे यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह हिमालय की तलहटी में असम राज्य में अवस्थित है। यह भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। कौन सा आपका? यह है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान की ये सभी विशेषताएं हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग 12वें क्वेश्चन। समाचारों में रहा काउचू आ है, रोपोई विरासत स्थल कहाँ अवस्थित है? ये आपका मिजोरम है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा म्यांमार की सीमा पर अवस्थित मिजोरम के चंफाई जिले में एक गांव बांगछिया में प्राचीन सभ्यता के अवशेष की खोज की गई है। इस स्थल को काउचू आ है, रोपोई विरासत स्थल नाम दिया गया है। क्वेश्चन हमारा 13, समाचारों में देखा गया है इन स्टैक्स, इन स्टैक्स है क्या है? यह आपका ईरान और यूरोपीय संघ देशों के बीच वित्तीय व्यापार तंत्र है। इन्हें इसे क्या कहते हैं? इन टैक्स, इन स्टैक्स, जो वस्तु के विनिमय के समर्थन में उपकरण का संक्षिप्त रूप है। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, इसे ही हम लोग इंस टैक्स कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा 14, चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रणाली के भीतर पोषक तत्वों के प्रवाह को प्रोत्साहित करके प्राकृतिक पूंजी का संवर्धन करती है। सही है, यह अर्थव्यवस्था में संसाधनों के नवीकरण, नवनीकरण की अवधारणा पर आधारित है। यह भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके दोनों प्रश्न सही है, सी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 15वें क्वेश्चन। समाचारों में देखा गया बीजन जीरो सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ये आपका व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है हमारा 16, बगरू ब्लॉक पेंटिंग पारंपरिक कला का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका राजस्थान। 16 में आपका बी है, जो बगरू ब्लॉक पेंटिंग है, इस छपाई की एक पारंपरिक तकनीक है, जिसमें राजस्थान के बगरू गांव की छिपा समुदाय के लोग सिद्धस्त हैं। यह लकड़ी के सांचों के साथ प्राकृतिक रंगों के उपयोग के कारण प्रसिद्ध है। क्वेश्चन हमारा अगला क्या होगा? 17, क्या है क्वेश्चन? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कि निम्नलिखित में से कौन सी परिणाम का होना आवश्यक नहीं है? राज्य विधानसभा का विघटन गलत है। इसमें क्या पूछ रहा है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की निम्नलिखित में से कौन से परिणाम का होना आवश्यक नहीं है? तो राज्य की विधानसभा का विघटन होना आवश्यक नहीं है, राज्य की मंत्रिपरिषद को हटाया जाना ये आपका होना जरूरी है। तो गलत हुआ, स्थानीय निकायों का विघटन। तो इसमें आपका 1 और 3 होगा। क्या होगा? 1 और 3 की आवश्यकता नहीं होगी, बाकी दूसरे की
आवश्यकता होगी। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें राज्य का सरकार का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। घोषणा जारी होने की तिथि से 2 महीने की अवधि में दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाएगा। संसद को दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन होने पर राष्ट्रपति शासन 6 माह तक जारी रहता है और इसे प्रत्येक 6 माह में संसद की स्वीकृति से अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति शासन जहां लागू होता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं? पर राष्ट्रपति राज्य सरकार की सभी कार्य अपने हाथ में ले लेता है, या वह राज्यपाल या किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकरण को में उन सभी या किसी भी कार्य को निहित कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को भंग कर सकता है या उसे निलंबित कर सकता है। विधानसभा का विघटन आवश्यक नहीं है, वह संसद को राज्य विधानमंडल की ओर से कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है। मंत्रिपरिषद आवश्यक रूप से कार्यालय से त्यागपत्र दे देती है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा से स्थानीय निकाय प्रभावित नहीं होते। जब राज्य विधायिका निलंबित या भंग कर दी जाती है तो संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या उसके द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य निकाय को सौंप दे सकती है। तो इसमें आपका 1 और 3 होगा, यानी कि बी ऑप्शन होगा। बात करते हैं हम लोग 18वें क्वेश्चन। राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए की शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका डी होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के हेतु संसद को अधिकृत कर सकती है। क्वेश्चन है हमारा 19। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, गलत है। पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी आपका गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, ये आपका सही। तो क्वेश्चन नंबर 19 में 1 और 2 कथन गलत है, तीसरा आपका सही है। भारतीय हिमालय क्षेत्र 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख 11 राज्यों में फैला हुआ है। इन राज्यों में आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल है शामिल है। पश्चिमी घाट आपका 6 राज्यों में, कौन कौन से हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। और जो आपकी पुलिकट झील है या चिल्का झील, ये आपकी उड़ीसा के बाद दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। 2 राज्यों में है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। तो इसमें आपका केवल तीसरा कथन सही था। क्वेश्चन है 20। भारत की लेटेराइट मृदाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये आम तौर पर लाल रंग की होती है, सही है। ये नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है, गलत है। इनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, गलत है। इन मृदाओं में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ये आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत है। मिट्टी का ह्यूमस तत्व बैक्टीरिया द्वारा हटा दिया जाता है जो उच्च तापमान में पनपता है, इसलिए मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन और फॉस्फोट और कैल्शियम की कमी हो जाती है, जबकि लोहे ऑक्साइड और पोटास अधिक मात्रा में मौजूद होता है। लेटराइट मिट्टी का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीप पठार के ऊंचे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हुआ है। यह मुख्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में फैली हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका
एक और चार कथन केवल सही था। सी ऑप्शन सही था। तो चलिए, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। इसी तरह के हम लोग क्वेश्चंस और भी देखते रहेंगे, ठीक है।